हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल। और आज कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी है तो क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स आपको चेक करने चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप पहले उसको देख लीजिए। तो उसमें मैंने बाकी सारी चीज़ों को बताया था, एक चीज़ के इंजन के अलावा, कि अगर हमको इंजन देखना है कि इंजन पुराना है और कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो कैसे हम इंजन को चेक करेंगे। मोस्टली जो इंजन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो होती है पावर लॉसेस की, जैसे जी जो जो कि हमारी पावर कंबस्टन चैम्बर में बनती है वो लीक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंजन की पावर कम हो जाती है। बाहर से अगर इंजन साफ़ सुथरा लग रहा है देखने पर, बट फिर भी अंदर से क्या प्रॉब्लम है, तो कैसे उसको जानेंगे कि हमारी पावर जो अंदर बन रही है कहीं वो लीकेज तो नहीं हो रही है उनमें, तो कैसे उसको चेक करेंगे। मैं आपको पहले बता दूँ कि ये जो अगर हमारा पावर लीकेज रहता है, ये हमारा जो रहता है वो कंबस्टन चैम्बर की तरफ, सॉरी हमारा जो ऑयल सम्प की तरफ रहता है, और वो लीकेज होती है इस वजह से। ये जो हमारी रिंग्स होती हैं कंप्रेशनिंग और ऑयल रिंग, अगर ये वियर एंड टीयर इनमें ज़्यादा हो गई होती है तो ये क्या करती हैं, यहाँ से लीकेज होना शुरू हो जाती है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ किस तरह से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंजन में आपको चेक क्या करना है, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि इंजन में एक डीप स्टिक दी जाती है, जिससे हम ऑयल लेवल चेक करते हैं, इंजन का जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका लेवल चेक करते हैं। बेसिकली जब हम इंजन के अंदर जो ऑयल डालते हैं, वो ऑयल हमारा नीचे सम्प में जाकर स्टोर हो जाता है। ये पूरा का पूरा जो है वो नीचे सम्प है, तो इस सम्प में जाके ऑयल स्टोर रहता है और लुब्रिकेशन का काम करता है स्प्लैश सिस्टम के द्वारा। तो ये जो हमारी डीप स्टिक है, इससे हम उस ऑयल लेवल को चेक करते हैं। अब मैं बात कर रहा था लीकेज की। मैंने बात बताया कि अगर आपके ऑयलिंग में अगर प्रॉब्लम है, अगर वेयर एंड टेयर हो गई है ज़्यादा, तो लीकेज होना शुरू हो जाती है। और वो लीकेज जो होती है वो गैसेस, वो यहाँ से आना शुरू हो जाती है। आप करना कुछ नहीं, आपको गाड़ी आपको थोड़ी देर चलानी है, और चलाने के बाद आपको स्टार्ट करके आपको खड़ी कर देनी है, और फिर यहाँ से ऑयल स्टिक जो है ये यहाँ से निकाल लेनी है, और फिर आप थोड़ी देर में देखोगे अगर वो कंबस्टन, अगर जो कंबस्टन गैसेस का जो लीकेज हो रहा है, तो फिर यहाँ से वो आपको स्मोक आता दिखाई देगा। मींस जो जो धुआं है वो यहाँ से निकलता दिखाई देगा, और साथ साथ में उस धुएं के साथ साथ में लुब्रिकेशन जो हमारा लुब्रिकेंट है वो भी इसके साथ में थोड़ा बहुत आपको ऊपर नज़र आएगा। तो इससे ये साबित होता है, इससे ये दिखता है कि हमारा जो अंदर जो कंबस्टन गैसेस में जो पावर बन रही है वो लीक होते होते जो है वो यहाँ तक आ रही है सम्प तक, जो कि नहीं आनी चाहिए। और सम्प से फिर आप देख रहे हैं ये पाइप यहाँ पे लगी है, तो सम्प से ये पाइप से होते हुए दोबारा यहाँ तक आ जाती है। तो अगर यहाँ पे गैसेस आ रही हैं, इट मींस आपका लीकेज हो रहा है, और वो गैसेस सम्प तक जा रही हैं जो कि नहीं जानी चाहिए। अब कैसे ये गैसेस सम्प तक जाती हैं, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो पहले तो आप सम्प माइंड में रखिएगा कि सम्प कहाँ है। यहाँ पे सारा जो हमारा पिस्टन असेंबली है, फोर सिलेंडर इंजन है, तो पिस्टन यहाँ पे रहते हैं और सम्प सबसे नीचे है यहाँ पे। इस डिसमेंटल्ड इंजन पे आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये हमारा थ्री सिलेंडर इंजन है, यहाँ पे हमारा एयर फ्यूल जलता है सिलेंडर के ऊपर, ये कंबस्टन चैम्बर है, और यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये गैसेस सिर्फ पिस्टन को पुश करने के काम आती हैं, और यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जानी चाहिए ऊपर से ही। बट अगर ये गैसेस यहाँ से लीकेज होना शुरू हो गई है, जो आप देख रहे हो सिलेंडर वॉल से, ये इसलिए लीक होंगी क्योंकि हमारा जो रिंग है जो कि पिस्टन के ऊपर लगता है, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, यही पिस्टन है और इसके ऊपर ये ग्रूव्स कटे हैं। इसी में ये तो बड़े पिस्टन की रिंग है, बट एक छोटी रिंग इसके लिए होती है जो इसमें अभी नहीं लगी है, तो वो रिंग का काम होता है कंप्रेशन रिंग उसको बोलते हैं। जो नीचे वाली रिंग होती है उसको कंप्रेशन रिंग बोलते हैं, सॉरी ऑयल रिंग बोलते हैं, ऊपर वाली को कंप्रेशन रिंग बोलते हैं। तो नीचे ऑयल रिंग है, वो वियर एंड टीयर हो जाती है, जिसकी वजह से लीकेज, अगर मान लो यहाँ पे गैसेज हैं ऊपर, तो यहाँ से वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है, और नीचे जो हमारा सम्प होता है यहाँ जैसे, उस सम्प में आ जाती है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। तो सेम मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे गैसेस बन रही हैं, बट अगर हमारा हमारा जो रिंग्स हैं वो ख़राब हो गई हैं, तो लीकेज यहाँ से होना शुरू हो जाएगी, और वो हो जाएगी यहाँ से होते हुए नीचे यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इसके नीचे जो है वो हमारा जो सम्प है वो फिटेड रहता है, यहाँ पे होल देख पा रहे हैं आप। तो ये सम्प ऐसे यहाँ पे नीचे लग रहा था जिसके अंदर ऑयल रहता है, तो उस सम्प तक वो गैसेज यहाँ से फ्लो होते हैं, जब आपको दिख पा रहा है यहाँ से फ्लो होते हुए नीचे सम्प में आ जाती हैं। तो
यही एक तरीका है कि कैसे हमें पता लगेगा कि हमारा इंजन में कहीं इनसाइड लीकेज, गैसेस की इनसाइड लीकेज तो नहीं हो रही, क्या वो सम्प में आ रही है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि सबसे बेस्ट तरीका है देखने का, यहाँ से डिपस्टिक निकालिए, इंजन स्टार्ट कीजिए और थोड़ी देर गर्म होने दीजिए, और उसके बाद देखिए कि क्या यहाँ से गैसेस इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम धुआं बोलते हैं, वैसे बाहर आ रही है, और साथ साथ में क्या उसके लुब्रिकेंट भी बाहर आ रहा है। अगर आपका इंजन अच्छा है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बस इतना ही बताना था आपको। सो थैंक यू सो मच गाइस। और जैसे मैंने पहले बताया कि सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए लिंक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं हो तो। थैंक यू सो मच।